हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए इस लाल कलर बटन को दबा के हमारे SRMB टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हर आने वाला आपके पास पहले से पहुंचे। हेलो दोस्तों, आज अनबॉक्सिंग करेंगे पॉलीकैप DLX फैन। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं पॉलीकैप DLX फैन को। और ये देखिए, ये 800 mm का फ़ैन है और ये 65 वाट का है और इसका RPM 600 का है। तो दोस्तों, ये फॉल सीलिंग में लगेगा और इसका डाउनर पहले से निकाला हुआ है। और ये देखिए इसका वायर, और वायर तो मैं खरीद के लाया था और उसको पैकिंग कर दिया हूँ। तो दोस्तों, इसका गारंटी कार्ड है और ये इसका मोटर है जो मेन पार्ट है। तो दोस्तों, इसको कर लेते साइड। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसको निकाल लेते हैं और इसको ब्लेड लगाएंगे। यहाँ पे 3 ब्लेड है इसका। तो दोस्तों देखिए, ये है सकल असेंबली, ये जो नट बोल्ट है। तो दोस्तों, अभी ब्लेड असेंबली को लगाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, नट वगैरह को खोल लेते हैं, जो आपका स्क्रू वगैरह है ब्लेड का। तो दोस्तों, अभी आखिरी ब्लेड बचा है, उसको लगा लेते हैं। और दोस्तों, आप पंपिंग वायरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ हमारे सलीन भाई के चैनल माय होमली सॉल्यूशन में विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छा वीडियो आता है पंपिंग का, तो जो आपका वाटर पंपिंग वायरिंग है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें विजिट कीजिए। और दोस्तों देखिए, हमारा ये तीनों ब्लेड लग चुका है। अभी बात करते हैं ये नट बोल्ट के बारे में। तो दोस्तों, नट बोल्ट लगाते समय आपको हाथ में नट बोल्ट होना चाहिए और हाथ में प्लास भी होना चाहिए। और देखिए, ऐसे एक हाथ से पकड़िए और दूसरा हाथ से नट बोल्ट को ऐसे लगाइए होल को मैचिंग करके, ठीक है दोस्तों। अभी हाथ में प्लास होना ज़रूरी है ताकि टाइट करने में आपको सुविधा हो, आसानी हो, ठीक है दोस्तों। तो इसको अच्छी तरह से टाइट करना है और जो लास्ट में पिन बच जाता है उसको लगाना ज़रूरी है, जो छोटा सा पिन रहता है, और स्प्रिंग वाशर भी लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपको कनेक्शन करके दिखलाएंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। लाइक कोई करता नहीं है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अब इसको टाइट कर लेते हैं दोस्तों। अच्छी तरह से टाइट करना है, थोड़ा सा लूज नहीं रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, इसको प्लास से या पाना से अच्छी तरह से टाइट करना है, अच्छी तरह से। तो दोस्तों, और पिन भी लगाना है और स्प्रिंग वाशर भी लगाना है। तो और दोस्तों, इसको टाइट करने के बाद आपको कनेक्शन करके दिखलाएंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है और कैसे पिन लगाया जाता है, वो भी दिखलाएंगे। तो अब इसको टाइट कर लेते हैं अच्छी तरह से, आपको दिखलाते हैं उसके बाद कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, फैन फिटिंग हो चुका है अभी। तो दोस्तों, इसको बॉटम कैम या टॉप कैम के भी को नीचे ऊपर कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखलाते हैं कैसे कनेक्शन हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो टर्मिनल हैं कनेक्शन के लिए, वहाँ पे क्या हुआ है येलो वायर जो है, और जो नट बोल्ट हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। तो नट बोल्ट जो है, वहाँ पे देखिए, ये 2 पिन लगा हुआ है, तो उसमें आप ऐसे लगाइएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।